वेलकम बैक टू माई चैनल। सो बस मैं बहुत दिनों बाद वापस वीडियो डाल रही हूँ, लंबा ब्लॉग। सो गाइस, सबसे पहले थैंक यू सो मच, आप लोग मेरे पाक जमीन वाली स्केच को इतना सारा प्यार दे रहे हैं एंड इट मीन्स लॉट टू मी कि आप लोगों को इतनी पसंद आ रही है। एंड मैं आपको एक और चीज़ बोलूँगी कि आप धीरे धीरे आप लोगों को मेरी नई नई स्केचेस मिलेंगी जो कि मैं डालूँगी एंड आप लोग उसको भी ऐसे ही प्यार दीजिए। सो क्या पता फ्यूचर में मेरा चैनल स्केचेस के लिए ही हो, व्लॉग्स के लिए ना हो। सो कुछ नहीं पता, अगर आप लोग ऐसे ही प्यार देंगे तो मैं दोनों डालने की कोशिश करूँगी। सो गाइस, ये है मेरा छोटा सा मिनी शॉपिंग हॉल। तो आज हम जो है शॉपिंग करने गए थे, तो आज मैं एक दो चीज़ें लाई हूँ वो दिखाऊँगी। एंड गाइस, रिसेंटली मैं दिल्ली में थी तो हम लोग सरोजनी नगर गए थे ना, उसका मैंने हॉल अभी तक नहीं डाला शॉपिंग का। सो आज उसका भी मैं कुछ सामान, आज मैं आपको बैग का हॉल दिखाऊंगी जो मैं बैग लाई हूँ, और फिर बाकी जो सामान लाई हूँ वो आपको दूसरे वीडियोस में मिलेगा जो कि आएगा थोड़े टाइम बाद। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज पहले मैं दिखाऊँगी स्टार्टिंग में जो मैं आज सामान लाई हूँ। लेट्स स्टार्ट विथ माई फेवरेट। सो गाइस, जैसे आप लोगों को स्केच देख के तो पता चल गया होगा, जिनको भी नहीं पता है, कि मैं एक बहुत ही बड़ी BTS आर्मी हूँ। सो आई बॉट दिस पेंसिल पाउच बॉक्स। सो ये है BD21। एंड जिनको BD21 नहीं पता है, मैं उनको बता दी हूँ कि BD21 BTS का ही एक काइंड ऑफ एनिमेटेड कार्टून है जिसको हम कहते हैं BD21। एंड ये देखो, ये सब है पीछे। सो मैं आपको बता दी कौन क्या क्या है। ये है कुकी एंड ये है जंगकुक का, ये है आरजे, ये है किम सुक जिन का, ये है जिमी, ये है पाक जिमिन जिनकी मैंने स्केच बनाई थी। फिर ओके, ये सेम ही है। फिर है मांग जो कि जे होप का है, और ये है टाटा जो कि ये वी का है। एंड इसमें हाँ, ये दो हैं छोटू। सो ये जो ब्लू है ये कोयाला, और ये आरएम का है, और ये छोटू से ब्राउन कुकी देख रही होगी जो कि है शूकी, ये है शुगा का। सो लेट्स ओपन दिस पाउच। मैंने सोचा था कि मैं ये बॉक्स आप लोगों के साथ ही खोलूँगी। फिर इसके बाद मैं सेट कर लूँगी इसको। एंड गाइस, कैन यू बिलीव इट, ये था जो मुझे मिल गया। सो क्यूट, खोल के देखते हैं। वाओ, सो ब्यूटीफुल। सो यहाँ पे आती है हमारी एक बड़ी सी चेन, इसके अंदर सामान रख सकते हो। फिर है ये पेन के लिए, और इसके पीछे जब भी आपको एक्स्ट्रा सामान रखना हो। रियली गुड। सो ये हो गया मेरा पाउच। ये था इसके अंदर, हम इसे ही सेट कर देते हैं वापस। सो गाइस, आज मैं बहुत प्यारी सी चीज़ें लाई हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज ज़्यादा शॉपिंग नहीं किया, थोड़ी सी किया, वो भी अच्छी अच्छी किया। नेक्स्ट दिखाती हूँ मैं। सो गाइस, नेक्स्ट मैंने ख़रीदा है परफ्यूम। तो अभी मेरे पास दो परफ्यूम्स हैं, एक या दो है कुछ ऐसे ही है। सो मुझे परफ्यूम बहुत अच्छा लगता है, मैं डिओड्रेंट इतना नहीं लगाती जितना मैं परफ्यूम यूज़ करती हूँ। सो आई बॉट दिस एंड आई गेस कुछ लोगों को पता चल गया होगा कि मैं कहाँ से लाई हूँ।
जिसकी पैकिंग खोलते हैं। एंड गाइस इसकी फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी थी, टाइम ले रहा खुल ही नहीं रहा था, मैं इतनी कोशिश कर रही थी। एंड गाइस गेस कौन से कलर का लाइन है, वेरी इजी आई नो। सो ये है पर्पल कलर का एंड इतनी प्यारी है यार बॉटल। सर लिखा है कलरफुल वर्ड यू दे टॉयलेट। सो ये फ्रेंच में लिखा है एंड मैंने फ्रेंच एक साल पढ़ी है। रेडियंट स्टार एंड इसको खोल के देखते हैं। आज मेरा फोन बहुत गिर गया। फाइनली सक्सेस। क्या बोल रही मैं, आज का व्लॉग ऐसा जा रहा है ना, आई एम रियली सॉरी गाइस। गाइस बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है। एंड गाइस लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि मुझे परफ्यूम्स तो पसंद ही है, बट आजकल मुझे परफ्यूम्स का कुछ ज़्यादा शौक एक और चीज़ से चढ़ा है। मैं गाइस अभी एक के ड्रामा देख रही हूँ जिसका नाम है माय आइडियल गंगनम ब्यूटी एंड इट्स अमेजिंग। बहुत हार्ड है, क्वालिटी अच्छी है। सो ये मेरा नया परफ्यूम एंड ये और मैं एक और परफ्यूम यूज़ करती हूँ, वो मैंने शायद आप लोगों को दिखाया नहीं है, वो भी किसी दिन। सो नेक्स्ट आई हैव हेयर ड्राइंग कैप यूनिकॉर्न, इसको खोल के देखते हैं। मैंने गाइस ये सब ऐसे ही रखा था कि जब वीडियो बनाऊंगी तब खोलूंगी। बटन कहाँ से खोलूं, मेरा खुल गया खुल गया। मुझे लगा ये भी नहीं खुलने वाला है। आई एम रियली सॉरी गाइस, आज मेरा व्लॉग ऐसे अजीब सा बन रहा है। ये निकाल दिया, इसको खोलते हैं। ओह वाओ दिस इज रियली गुड। कुछ तो लिखा है, ये है और यहाँ पे बटन नीचे लास्ट है। इसको भी पहन के दिखाती हूँ। सो गाइस ये थोड़ी सी बड़ी है बट इट्स गुड। इससे यहाँ पे बटन है, आप उसमें रैप कर सकते हो, मतलब अटैच। सो ये है एंड गाइस बहुत प्यारी है, क्यूट सी। तो मैं इसको अंदर ऐसे डब्बे के डाल देती हूँ। गाइस मैंने आज हेड वॉश किया।
सो ये है मेरी हेयर कैप। तो ये हो गया। देन गाइस मैं लाई हूँ इयररिंग्स, ये स्क्वायर शेप गोल्डन। एंड देन गाइस मैं जो अभी के ड्रामा देख रही हूँ उसमें भी सेम जो मेन एक्ट्रेस है उन्होंने वाले इयररिंग्स पहने थे, मैंने आज ही देखा और मुझे मिल गए मार्केट में सेम। ये एंड इट लुक्स प्रीटी गुड। सो मुझे इयररिंग का इतना शौक नहीं है जितना मुझे स्टड्स का है, बट मुझे अच्छा पीस मिल गया तो आई थॉट पीस होना ले लेते हैं। ओके सो ये मेरी थी आज की शॉपिंग। एंड अब मैं आपको सरोजनी नगर का बैग हॉल दिखाती हूँ जो मैं लाई हूँ। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव दिस हैंडबैग एंड इस प्राइसेस इतने ज़्यादा अच्छे थे, रीजनेबल थे, बट टाइम नहीं था तो इसलिए मैं ज़्यादा बैग नहीं ले पाई, वरना मैं और ले लेती फिर मेरी क्लास लगती, ज़्यादा कुछ नहीं। सो ये है बैग से एनी डिज़ाइंस का इस बाकी मार्केट में भी आ गया, मैंने देखा यहाँ पर ये है। सो गाइस आई नीडेड समथिंग इन वाइट सो आई बॉट दिस एंड आप आई गेस शाइनिंग देख सकते हो, होलोग्राम इफेक्ट है आगे भी पीछे भी। सो ये स्लिंग बैग है, चाहो तो मैं इसको ऐसे भी कैरी कर सकती हूँ। ये है देन गाइस मुझे ब्लैक का भी बैग चाहिए था, मेरे पास ब्लैक और वाइट नहीं था सो आई बॉट दिस इन ब्लैक। इसकी चेन इतना क्लासी लुक दे रहा है, आई कैन वेयर दिस एनी पार्टी, दिस इज गुड। देन गाइस आई सॉ समथिंग न्यू तो मैंने ये भी ले लिया। सो ये बहुत ही बड़ा हैंड बैग है एंड इट्स फुल फरी, सो मैंने ये लिया। सो गाइस ये सरोजनी नगर से नहीं लिया है, ये यहीं पर मार्केट में लिया है एंड ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, सबसे पहले मैं ट्रेंड फॉलो करती हूँ। सो आई बॉट दिस एंड इसको जैसे छोटी जगह जा रहे हो तो मतलब वहाँ पे ले जा सकते हो, क्योंकि ऑफकोर्स इसमें मेरा फ़ोन तो नहीं आएगा लेकिन बाकी सारी चीज़ें आ जाएंगी जैसे लिप बाम है वो सब एंड चेन भी है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही एंड बाकी शॉपिंग हॉल पे आप लोगों के लिए जल्दी आएगा। सो मीटिंग में नेक्स्ट वक्त तक, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। Oh.